हेलो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो भी हमने एडमिन पैनल सेट की थी, ठीक है, अब उसको हम किस तरीके से उसके अंदर जो भी हमें एडमिन पैनल के अंदर जो भी फॉर्म बनाना था, जो भी हमने आगे सीखा था, ठीक है, फॉर्म के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लोकल होस्ट में स्टार्टिंग पैनल, ये हमारी पैनल थी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सिर्फ सही से की थी। अब जैसे मैं ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए, हमारा एक फॉर्म दिखना चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं डेटा ऐड करूंगा और हमारे डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। और दूसरा होगा व्यू रिकॉर्ड, जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे वो रिकॉर्ड है सारा का सारा रिकॉर्ड मुझे दिखाई देगा, जितने भी रिकॉर्ड मैंने ऐड करवाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी ऐड रिकॉर्ड है उसके अंदर मुझे पहले तो फॉर्म सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाकी का जो डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एज इट इज़ रखना है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना, वो सब हम लास्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐड रिकॉर्ड पे आपको एक फॉर्म चाहिए। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो सबलाइम है उसके अंदर आपको एक फॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसके अंदर एडमिन के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक फॉर्म होगा। देखो, फॉर्म कॉमन एचटीएमएल है, फॉर्म वैलिडेशन है, तो इसको पहले आपको यहाँ पे ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म सही से आ रहा है, तो फॉर्म कॉमन है, फॉर्म वैलिडेशन है, फॉर्म विजार्ड है, तीन है ना, तो मैं पहला वाला ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, कि इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो किस तरीके से कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे फॉर्म कॉमन डॉट एचटीएमएल ऐसे लिखूंगा ना, तो जैसे ही ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है, बहुत सारे फॉर्म है। ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्म इसके अंदर से चाहिए, ठीक है, तो इसके अंदर से कौन सा फॉर्म आपको चाहिए हो, ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल सिलेक्शन भी हो रहा है, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो ये भी हम रख सकते हैं, ये फॉर्म भी रख सकते हैं, ये वाला भी रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्म हमें दिए हुए, तो पहले तो मुझे क्या करना है कि जो फॉर्म कॉमन डॉट एच टी एम एल दिया हुआ है उसको पहले मुझे हमारे पीएचपी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ, तो कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझे उस फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म कॉमन डॉट एच टी एम एल है उसको मैंने ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद अब दो चीज़ें इसके अंदर देखो थोड़ी सीएसएस डिफरेंट होगी, जो हमने हेडर के अंदर अलग से करवाई थी तो उसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस होगा देखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो फॉर्म कॉमन के अंदर एच टी एम एल है, ठीक है, उसको हेड टैग से, मतलब ये सी एस एस सारी उठानी है लिंक वाली, ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद हेडर के अंदर जो भी लिंक आपके पास है उसको चेंज कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे कर देना है आपको पेस्ट। ठीक है, और दूसरी चीज़ फॉर्म कॉमन के नीचे ही एक लास्ट में जेएस होगी, तो इस जेएस के अंदर जो भी स्क्रिप्ट टैग हमारा चालू हो रहा है, ठीक है, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद हेडर में जाना है। ठीक है, फुटर में जाना पड़ेगा, फुटर ये रहा, और उसके अंदर जो भी जेएस हमें दिख रही है उसको यहाँ से रिप्लेस कर देना है। इसके अंदर अलग से कुछ दिया हुआ है वहाँ पर भी, फॉर्म कॉमन के अंदर भी अलग से कुछ दिया, तो आपको पहले जो भी जेएस दी हुई है उनको मैच करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं निकाल दूंगा तो हमारी जो फ्रंट पेज है उसके अंदर से भी जेएस निकल जाएगी। ठीक है, तो हम सही से उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहले मुझे क्या करना है कि दोनों के अंदर जो कॉमन है वो चेक करवाना है। ठीक है, तो दोनों के अंदर चेक करवाने के लिए कंपैरिजन कोड आता है, वो मैं आपको अलग से बता, जो पीएचपी के अंदर बहुत यूज होता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, पीएचपी कोड कंपैरिजन, तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है कोड कंपैरिजन, ठीक है, टूल ऐसे लिखना है। जैसे आप लिखोगे और समथिंग डेट डिफरेंट चेकर, ये भी आप देख सकते हो बिल्कुल कितना डिफरेंट है मेरे पास, तो मेरा जो ओरिजिनल कोड है, ठीक है, यहाँ से मैं फुटर के अंदर जो कोड लिखा हुआ है मैंने उसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं रख रहा हूँ हमारे जो इनपुट ओरिजिनल टैग्स है उसके अंदर। ठीक है, और ओके फुटर के अंदर, फुटर वाली हमारी जेएस चाहिए, ओके फुटर के अंदर से इसको कॉपी करो, और यहाँ तक इसको कॉपी करने के बाद इसको रखना है ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर। ठीक
और जो फॉर्म कॉमन डॉट एच टी एम एल है उसके अंदर जो जेएस डी हुई है उसको कॉपी करो और उसको रख दो यहाँ पे चेंज टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप फाइंड डिफरेंसेस पे फाइंड करोगे तो जो भी जेएस अलग अलग होगी, ठीक है, जो कॉमन होगी एज इट इज रहेगी, वाइट की रहने वाली है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो भी जेएस है वो इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है, वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। देखो मैट्रिक्स जेएस है इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्रीन हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे है ई एक्स कैनवास मीन डॉट जेएस, तो इसके अंदर कहीं पर भी वो नहीं है, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल कोड कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पड़ा है वो तो रहना ही चाहिए, हमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसके अंदर जो जेएस थी जो भी मिसिंग हो रही थी उसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं पर भी रख सकते हो उसको। फिर वापस ऊपर गए हम और यहाँ पे ये तीन चीज़ें मैच नहीं हो रही है, ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म और मैट्रिक चेंज यहाँ पे है, देखो है ना, मैट्रिक्स फॉर्म भी है आई थिंक, मैट्रिक्स फॉर्म कॉमन, मैट्रिक्स फॉर्म कॉमन, वैलिडेशन है, ठीक है, और कॉमन वाली नहीं है यहाँ पे, और जेक्वेरी डॉट पेटी ऐसे कुछ नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर वो नहीं है। तो इस तीनों को यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी नहीं है इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट टू वाली सिलेक्ट टू है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी कर सकता हूँ लास्ट तक, तो यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको मैं रख दूंगा हमारा जो कोड था उसके अंदर, मतलब यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, मैट्रिक्स टेबल के नीचे। ओह शिट, और दूसरा और क्या चीज़ रहेगी इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी जेएस से कंप्लीट हो गई, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं फुटर के अंदर रख रहा हूँ। कहाँ पे, फुटर में रखना है क्योंकि फुटर आपने एक ही बार बनाया हुआ है ना, इसलिए। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट कर दो और कुछ इसके अंदर नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी फुल जेएस हो गई। अब क्या करना है कि फॉर्म कॉमन के अंदर जो भी चीज़ आपको दिखाई हुई है, ठीक है, इसके अंदर से आपको क्या करना है कि हेडर फुटर पहले अलग करना है। तो यहाँ पे जाना है और इसके अंदर जो भी आपको हेडर दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क स्पेस तक, यहाँ पे जो डिस्क स्पेस था वहाँ से ऊपर का सारा कुछ डिलीट कर देना है, मतलब इसको सिलेक्ट करो और कट कर दो। फिर लास्ट में जाना, इसको कहीं पर भी सेव नहीं करना है क्योंकि एक बार हमने सेव कर दिया और हेडर के अंदर रख दिया है, ठीक है, तो दूसरी बार उसको पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है या दूसरी फाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया और फुटर भी निकाल दिया। फिर इसको आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, और नाम क्या देना है आपको, एडमिन का रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एड एडमिन डॉट पी एच पी, ठीक है, इस पेज का नाम मैंने दे दिया एड एडमिन डॉट पी एच पी। यहाँ पे देखो पेज बन के आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना था कि जो भी पेज हमारा बना हुआ है उसके अंदर वापस मुझे हमारा हेडर और फुटर लगाना था, तो मैं वापस क्या करूँगा, जो भी हेडर फुटर था वो हमने इंक्लूड और यहाँ पे मैं रख दूंगा हेडर डॉट पी एच पी, ठीक है। तो हेडर हमारा इंक्लूड हो जाएगा, मतलब जो हमारी पुरानी फाइल हमने सेव करके रखी थी उसके हेडर की वो मुझे यहाँ पे एज इट इज फाइल मिल जाएगी। फिर लास्ट में मुझे करवाना है यहाँ पे फुटर, जो भी हमने अलग फुटर डॉट पी एच पी नाम की फाइल के अंदर अटैच करवाया था जो भी डेटा हमारा, ठीक है, इसको सेव करो। सेव करने के बाद आपको इसके अंदर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट टैब करो, ओके, ये फाइल हमने रिफ्रेश कर दी थी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड एडमिन डॉट
PHP। देखो पेज आ रहा है जैसा था वैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर चल रहा है फॉर्म हमारा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये पेज मुझे दिखना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी लिंक नहीं दी हुई हमने, यहाँ पे देखो ये बार बार ओपन होके बंद हो रहा है। तो दो बार हमने CSS फुटर के अंदर दी होगी इसलिए ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो एक ही JS दो बार आएगी तभी ये प्रोसेस होती है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ दो बार आ रही है तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। फिर मैट्रिक्स डैशबोर्ड है वो भी दो बार आ रहा है, ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। तो jQuery दो बार नहीं आनी चाहिए, दो jQuery अगर दो बार आ गई तो वापस आपको लोड करवा के दे देगा पेज। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ और सेव करने के बाद हमारे पेज के अंदर जा रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो आ रहा है सही से। तो यहाँ पे पेज हमारा क्या हो रहा है कि बार बार लोड हो रहा है, देखो इंडेक्स पेज ही आ रहा है। मुझे ये क्या चाहिए यहाँ पे, एड एडमिन, जो हमने पेज बना के ऑलरेडी रख दिया है यहाँ पे। फिर मुझे क्या देना है, सिर्फ हेडर के अंदर उसकी लिंक देनी है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो हेडर के अंदर मुझे कहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे एड रिकॉर्ड दिया था वहाँ पे आ जाएगी हमारी पेज की लिंक, एड admin.php, ठीक है। अब जैसे मैं सेव करूंगा, जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे एड रिकॉर्ड, तो देखो पेज आ गया। कहाँ पे चेंजेस करना था आपको, जो यहाँ आपको हेडर के अंदर जो आपका हेडर पेज आपने बनाया लास्ट टाइम, ठीक है, उसके अंदर जो HREF लिंक दिख रही थी वहाँ पर ही आपको चेंज करना है, एड एडमिन डॉट, मतलब उस पेज का यहाँ पे आपको नाम देना है, ठीक है। नाम देने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म है, मुझे तो सिर्फ एक ही पेज चाहिए, एक ही फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मुझे फॉर्म दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्म चूज कर सकते हो, फॉर्म एलिमेंट्स है ना, तो बाकी फॉर्म एलिमेंट ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट नीचे जो फर्स्ट राइट में है उसके नीचे भी देखो फॉर्म एलिमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्म दिए, उस सबको मिला के आप एक फॉर्म यहाँ पे बना सकते हो। तो मुझे क्या करना है कि सिर्फ एक ही फॉर्म चाहिए, बाकी के सारे फॉर्म मुझे हटा देने। तो पर्सनल इन्फो जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे, एड एडमिन नाम के पेज के अंदर। यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि जो पर्सनल इन्फो दिखाई ना यहाँ पे, ये विजिट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमाइज करना है, मतलब ये फॉर्म क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। फिर मुझे ये भी चीज़ चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे विजिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर तो फर्स्ट रो के अंदर जो हमारे तीन विजिट थे उसमें से मैंने फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को हटा दिया। फिर जो लास्ट वाला विजेट है ये वाला, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और ये भी यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा सेव करने के बाद, तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ एक ही फॉर्म रहेगा। देखा सारे फॉर्म हमने हटा दिए। फिर इस फॉर्म को आपको सेटअप करना है, ठीक है, मतलब आपको एक इनपुट टेक्स्ट लगाना है, रेडियो बटन लगाना है, चेक बॉक्स चाहिए, ठीक है, एक फाइल चाहिए, दो इनपुट बॉक्स चाहिए, पासवर्ड भी ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो विजिट के अंदर हम जाते हैं और विजिट के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्म दिखा हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि एक फॉर्म के अंदर ले रहा हूँ, एक टेक्स फॉर्म, ये रहा, ये डिसेबल फॉर्म में है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे वो नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए। तो मैं इसको जो सिलेक्ट बॉक्स, ये जो फॉर्म हमारे दिख रहा है, ठीक है, इसके नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। और डिसेबल लिखा है वहाँ पे मैं दे रहा हूँ एंटर, एंटर नहीं, यहाँ पे फर्स्ट नेम भी आप दे सकते हो, ठीक है, मैं फर्स्ट नेम ही देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको डिसेबल दिया हुआ उसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर में जाना है, डालना है कि फर्स्ट नेम, ठीक है,
जैसे ही सेव करोगे तो आपका जो सिलेक्ट बॉक्स है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देगा आपको, यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वैसे ही आपको लास्ट नेम भी चाहिए तो इसको एज इट इज कॉपी कर लो। और इसके अंदर फॉर्म भी आपको सेट करते जाना है, तो फॉर्म के अंदर पहले क्या होता है कि एक्शन कभी भी होती नहीं है, मेथड आपको कौन सी बनानी होती है, पोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम की जगह पे क्या चाहिए, लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लास्ट नेम, तो ये तो एज अ जस्ट प्लेस होल्डर की तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मुझे नेम भी देना पड़ेगा ना, तभी हमारा फॉर्म है वो पास्ट पोस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एफ नेम, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एज अ नेम एल नेम। ठीक है, और इसके बाद मुझे ईमेल भी चाहिए और पासवर्ड भी चाहिए, तो मैं दो और टेक्स्ट फील्ड बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एंटर ईमेल। ठीक है, बाकी चीज़ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एंटर ईमेल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो भी है वैसे ही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ नेम की जगह पे आ जाएगा ईमेल। ठीक है, और वापस पासवर्ड चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं वापस दे रहा हूँ एंटर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी आप पासवर्ड दे सकते हो जिसकी मदद से आपका जो पासवर्ड है किसी को दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो और एज अ नेम भी यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि रेडियो बटन चाहिए, तो रेडियो बटन आपके पास कहाँ पे था, ओके यहाँ पे है, इसको यहाँ से कट करो। कट करने के बाद आपको कहाँ पे रखना है, जो भी पासवर्ड है उसके नीचे। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे देना है सिलेक्ट जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो ही चीज़ चाहिए, रेडियो तो आने ही वाला है, नेम आ जाएगा आपका, जेंडर वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी मेल। ठीक है, और उसके बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेल, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फीमेल, यहाँ पे आ जाएगा फीमेल। ठीक है, और लास्ट लेबल है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चेकबॉक्स आ जाए, तो चेकबॉक्स भी इसके अंदर आपको दिया हुआ था। ठीक है, ये रहा, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे देखो ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो डी आपको दिखेगा, तो इतनी चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ से कट कर लेनी है और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, तो डी के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आप अपनी हॉबीज रख सकते हो, रेडियो की जगह आ जाएगा आपका यहाँ पे हॉबी। हॉबी का क्या बनाना पड़ेगा, एरे, जैसे हमने फॉर्म स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है, वैसे ही हॉबी यहाँ पे आप दे सकते हो रीडिंग, साइकिलिंग, म्यूजिक, म्यूजिक भी आप दे सकते हो। ठीक है, अपनी जो भी हॉबी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, फिर हमें सेट करना है सिटी, तो सिटी सेट करने के लिए ये जो हमारा फर्स्ट सिलेक्ट बॉक्स है उसे हम रखेंगे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसको हम रखेंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्ट सिटी, ऐसे इस तरीके से मैं नाम दे रहा हूँ सिलेक्ट सिटी, और सिटी के अंदर ऑप्शन टैग बहुत सारे हमारे पास हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एरे बना रहा हूँ, उस एरे को यहाँ पे हम डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पीएचपी के अंदर सिटी नाम का सिटी डेटा, ठीक है, इस तरीके से बना रहा हूँ, जो यहाँ पे इस तरीके से चाहिए, तो यहाँ पे मैं एरे बना रहा हूँ सिटी का, इसके अंदर मैं तीन या चार सिटी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो सिटी के अंदर मैं डाल रहा हूँ पहले तो सूरत, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ वडोदरा, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे नवसारी, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अहमदाबाद। ठीक है,
तो इस तरीके से मैंने जो भी सिटी थी वो डाल दी। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ठीक है उसको एज इट इज छोड़ दो। हाँ इसको एज इट इज छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि बीच में पहले लिखा होना आना चाहिए कि आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद इसको यहाँ पे आपको फॉर लूप यूज करनी पड़ेगी ठीक है, डायनेमिक लाने के लिए। तो स्टार्ट ऑलवेज लूप कहाँ से चालू होती है, एरे एरे ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है। उसकी पोजीशन मैंने दे दी और कहाँ तक खत्म होगी वो, जब तक सिटी डेटा साइज ऑफ उसकी खत्म नहीं हो जाती तब तक। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डॉलर सिटी डेटा ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डॉलर आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं उसकी लूप यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा वापस से, ऑप्शन टैग ठीक है। ऑप्शन टैग के अंदर बीच में क्या देना पड़ेगा, जो भी हमें एरे के अंदर डेटा मिल रहा है उस एरे का यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा नाम ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इको एरे का नाम मतलब सिटी डेटा, और उसके अंदर मुझे देनी पड़ेगी यहाँ पे पोजिशन ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा मिल गया ठीक है, तो नाम मिल जाएगा, पर आप जब भी पोस्ट कराओगे तब तो आपको क्या मिलना चाहिए, उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि उसके ऑप्शन टैग के अंदर भी वैल्यू टैग के अंदर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सिटी डेटा ऑफ डॉलर आई ठीक है। अब जब भी आप लोग देखोगे ठीक है अपने पेज को देखोगे ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पेज यहाँ पे सेटअप होके आ जाएगा। देखो यहाँ पे सिटी आ गई ठीक है, तो 4 सिटी आ गई हमारी। और यहाँ पे हमारा रेडियो बटन, हॉबीज, पासवर्ड, ईमेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सारा बन के आ रहा है ना। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए कि आपको अगर टेक्स्ट एरिया रखना हो तो टेक्स्ट एरिया भी रख सकते हो, और उसके बाद डायरेक्ट आप फाइल रखना है ठीक है। तो मैं इनपुट टाइप के अंदर इमेज रख रहा हूँ, और बाकी की जो दो चीज़ें वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको जैसे चेक करूँ पता चलेगा अभी कहाँ वो ख़त्म हो रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर रहा हूँ। वैसे ही सेम टू सेम इसके अंदर भी ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अब मुझे फाइल अपलोड इनपुट था ना, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइल अपलोड में सिर्फ दे रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा एज अ नेम इमेज ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड मुझे फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी हमने ऊपर से स्टार्ट किया था फॉर्म पूरा ठीक है। तो फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे क्या दिया था, मेथड के अंदर पोस्ट, और इमेज भी आप अपलोड करवा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनक्रिप्ट टाइप पास करवाना पड़ेगा ठीक है। तो ENC टाइप के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्म को यहाँ से पास करवा सकते हो। तो फॉर्म ने हमने सेटअप कर दिया है, अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके डेटाबेस के अंदर जो जो फील्ड यहाँ पे आपने ली है ठीक है, वो सारी की सारी फील्ड आपको डेटाबेस के अंदर टेबल में बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका रह जाएगा कि नेम, नेम भी देना पड़ेगा इनपुट टाइप के अंदर, सबमिट दे रहा हूँ यहाँ पे, और एज अ वैल्यू, और वैल्यू के अंदर भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सबमिट ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दो तो चलेगा, क्योंकि बीच में हमने सेव दिया हुआ है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक हो रहा है ठीक है, तो सारा फॉर्म पूरे पूरा फॉर्म है उसके अंदर जो भी फील्ड थी वो सारी की सारी पास हो जाएगी। तो सबने हमने सब फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट हमने दिए हुए उसके अंदर हमने नेम दिया हुआ है, ताकि हमारा डेटा इजीली पास हो जाएगा ठीक है। तो पासवर्ड के अंदर भी दे दिया है, सिलेक्ट के अंदर यहाँ पर भी दे दिया हमने, यहाँ पर भूल गए जेंडर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉबी, उसके बाद यहाँ पे सिटी सिलेक्ट के अंदर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा सिटी, उसके बाद नीचे मुझे देना पड़ेगा फाइल अपलोड, वहाँ पे मैंने दे दी है इमेज ठीक है। तो जैसे ही सबमिट करूँगा तो हमारा डेटा इजीली पास हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म जहाँ पे डेटा मुझे ऐड करवाना है वो फॉर्म मेरा सेटअप हो गया ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे कॉमन फॉर्म, HTML,
ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज करवा सकते हो, जो भी आपका पेज का नाम है, ठीक है, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इसके साथ अलग से एक टेबल होगा, तो टेबल टैग को भी आपको सेटअप करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से व्यू रिकॉर्ड के अंदर टेबल का नाम दे रहा हूँ मैं, व्यू एडमिन डॉट PHP। तो यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा, ओके, यहाँ पे CSS और JS वर्क नहीं हो रही। तो अब हम चेंज करने वाले हैं यहाँ से व्यू रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेज कौन सा आ रहा है, व्यू एडमिन ना, तो यहाँ पे कोई भी पेज हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आ नहीं रहा। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा HTML टैग पेज है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा PHP के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेबल दिए हुए, देखो यहाँ पे टेबल और HTML है, तो इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से वो टेबल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेबल डॉट HTML, जैसे ही आप इतना लिखोगे तो आपको टेबल यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से टेबल है। टेबल के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर है उसको यहाँ पे आपको शो करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल आपको दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा टेबल आपको चाहिए वो चूज करना है। तो एक टेबल आपको रखना है और बाकी के जितने भी टेबल है वो यहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला टेबल है डेटा टेबल, वो मैं रख रहा हूँ, ऊपर के जितने भी टेबल मैंने रखे हुए उसको डिलीट कर रहा हूँ। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि टेबल वाले पेज के अंदर हेडर फुटर डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क स्पेस जहाँ से लिखा होगा वहाँ से उसका सारा ऊपर का कोड सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दो, और सेम टू सेम फुटर। ठीक है, यहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो। फिर जो भी पेज हमारे पास बचा है उसको कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, जैसे इस तरीके से नाम दोगे, तो हमने नाम क्या दिया था पेज का, व्यू अंडर स्कोर एडमिन डॉट PHP, मतलब एडमिन का जो भी डेटा होगा वो व्यू वाले पेज के अंदर हम देख सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने फुटर निकाला था, तो फुटर को मैंने एक पेज के अंदर रख दिया था, फुटर वाले पेज के अंदर। ठीक है, फुटर डॉट PHP, तो वापस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसकी JS अटैच करवानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे वापस इंक्लूड करना पड़ेगा फुटर डॉट PHP जो लास्ट में निकाला था हमने। वही चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी उसके हेडर के अंदर भी, जो भी उसकी CSS फाइल्स थी वो सारी कहाँ पे पड़ी होगी, हेडर के अंदर। तो यहाँ पे मुझे फुटर की जगह लिखना पड़ेगा हेडर। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी उसकी लिंक
हेडर के अंदर दी हुई है व्यू एडमिन डॉट पी एच पी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये व्यू एडमिन वाला पेज हमारा लोड हो जाएगा और वहाँ पे जितने भी टेबल दिख रहे हो एस टी एम एल में से पी एच पी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो एडमिन्स के अंदर व्यू रिकॉर्ड, देखो यहाँ पे पेज आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, और यहाँ पे जो जेएस वर्क हो रही है वो भी हो रही है परफेक्ट। तो हमें ये लास्ट वाला टेबल रखना है और उसके ऊपर के जो भी टेबल थे वो डिलीट कर देने। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टैटिक टेबल है ना, तो यहाँ से आपको फाइंड करना है पहले। तो स्टैटिक टेबल जहाँ पे लिखा है उसके बाद ये जो टेबल है उसको यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगा टेबल। उसके बाद ये टैग भी मिनिमाइज हो जाना चाहिए और जो विजेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये विजेट भी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दो। फिर ये टेबल भी मुझे नहीं चाहिए तो इस विजिट को सिलेक्ट करने के बाद मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर सेम टू सेम इसके अंदर भी, ठीक है, ये वाला भी नहीं चाहिए मुझे तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा जो भी टेबल थे एक्स्ट्रा टेबल वो मैंने सारे यहाँ से हटा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे कुछ दिखेगा। यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर भी आ जाते हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये हमने दो पेज यहाँ पे सेटअप किए, कौन कौन से, तो भाई ऐड रिकॉर्ड जहाँ पे मैं डेटा ऐड करूँगा, यहाँ पे आप अपनी तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐड एडमिन रिकॉर्ड्स, ठीक है, पेजेस फॉर्म ऐसा कुछ दे सकते हो। फिर व्यू रिकॉर्ड के अंदर भी यहाँ पे आप अपनी तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सिर्फ डेटा को सेटअप किया है और कुछ नहीं किया। दो पेज हमने सेट किए, एक तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए और दूसरा व्यू करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को हम आगे क्या करने वाले कि जो भी हमें ऐड रिकॉर्ड दिखाया हुआ है वहाँ से मैं डेटा ऐड करूँगा। ठीक है, और जैसे ही डेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो सारा डेटा मुझे कहाँ पे दिखाई देगा, हमारे व्यू रिकॉर्ड वाले पेज के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से सेटअप करना है। अभी इसके आगे हम न्यू रिकॉर्ड डालने वाले हैं तो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। तो जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे लेक्चर के रिगार्डिंग तीन क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।